बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मकबूजा कश्मीर में हालात मजीद कशीदा हो गए। कश्मीरी मुजाहिदीन की आवाज कश्मीरी स्कूलों तक जा पहुंची। आम शहरियों ने भारतीय फौज के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। जबकि अमित शाह हंगामी दौरे पर मकबूजा कश्मीर पहुंच गए। हुर्रियत पसंद मुजाहिदीन की जानिब से अमित शाह पर हमला करने का ऐलान। भारतीय वजीर दाखला अमित शाह चूहों की तरह 3000 फौजियों के हिसार में गवर्नर हाउस में मुंतकिल। गवर्नर हाउस के 20 किलोमीटर के इलाके को कला नुमा हिसार में तब्दील कर दिया गया। भारी तादाद में कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कश्मीरी पंडितों की जानिब से भी मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान सामने आ गया। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तमाम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, पहली दफ़ा 370 के खात्मे के बाद भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह कश्मीर के दौरे पर रवाना हुए हैं। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का कश्मीर का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब शहरियों की टारगेट किलिंग के हालिया वाकयात की वजह से शूरिश ज़दा जम्मू एंड कश्मीर में कशीदगी बढ़ चुकी है। कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत को ख़त्म किए जाने के 2 बरस बाद भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह पहली मरतबा वादी पहुंचे हैं। उनका यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब शहरियों की टारगेट किलिंग के हालिया वाकयात की वजह से कशीदगी बढ़ चुकी है, जबकि जंगलात के अंदर मुजाहिदीन ने भारतीय फौज को नाकों चने चबा दिए हैं और भारी तादाद में भारतीय फौज को नुकसान पहुंचाया है। भारतीय फौज का यह दावा है कि अफगानिस्तान से तालिबान कश्मीर के अंदर दाखिल हुए हैं, जो मुजाहिदीन की मदद करते हुए इस जिहाद को मजीद बढ़ा रहे हैं और भारतीय फौज के लिए तकलीफ का बायस बने हुए हैं। नाज़रीन इकराम, सरकारी ज़राए के मुताबिक भारतीय वजारत दाखिला ने गुज़श्ता माह एक अहम मीटिंग की थी, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ एजेंसियों को मुख्तलिफ नौयत की कई जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। अमित शाह इस दौरे के दौरान जारी करदा अहकामात और उस पर अमल दरामद का जायजा लेंगे। वो बिलखसूस नीम फौजी दस्तों और इंटेलिजेंस ब्यूरो के आला हुकाम के साथ तबादला ख्याल और यूनिफाइड कमांड की मीटिंग की सदारत भी करेंगे। इस मीटिंग में कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और पुलिस और आर्मी इस हवाले से ब्रीफिंग करेगी कि क्या कश्मीर में जारी इस वक्त फाइट किस सूरत हाल का शिकार है और क्या मुजाहिदीन के ऊपर भारतीय फोर्स कामयाबी हासिल कर सकती है या नहीं। अमित शाह ऐसे वक्त दौरा कर रहे हैं जब कश्मीर में शहरियों की टारगेट किलिंग के कई वाकयात पेश आ चुके हैं। रवां बरस अब तक तकरीबन 28 अफराद मारे गए। इसी माह 11 शहरी हलाक हुए। इन हलाक शुदगान में हिंदू, मुसलमान, सिख और मुहाजिर मजदूर शामिल हैं, लेकिन अक्सरियत मुसलमानों की है। कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान मुजाहिदीन के खिलाफ एनकाउंटर के 11 वाकयात पेश आए, जिनमें 17 कश्मीरी आज़ादी पसंद को मारने की भारत का दावा किया गया है। नाज़रीन इकराम, अमित शाह के 3 रोज़ा दौरे के दौरान सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। उनका बेशतर क्याम गवर्नर हाउस में होगा, जिसके अतराफ के 20 किलोमीटर के दायरे को कला नुमा हिसार में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। ड्रोन से भी पूरे इलाके पर निगाह रखी जा रही है। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर और शार्प शूटर्स तैनात किए गए हैं। गाड़ियों और पैदल चलने वालों की भी जबरदस्त चेकिंग की जा रही है। ये एहतियात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमित शाह पे खुदकुश हमला या मुजाहिदीन की जानिब से कोई भारी हथियारों से हमला हो सकता है।
हुकाम ने बताया कि तकरीबन 700 अफराद को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया है। मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ सियाह कानून ख्याल किए जाने वाले पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA भी लगाया गया है, जिसके तहत गिरफ्तार शख्स को 2 बरस तक किसी तरह की अदालती समाअत के बगैर भी जेल में रखा जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर की जेलों में बंद बहुत से कैदियों को भी दीगर रियासतों की सेंट्रल जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। अमित शाह और इसी तरह दीगर अफराद जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी के खिलाफ काम किया है, उनको हमेशा ये खदशा लाहिक रहा है कि अगर वो कश्मीर के अंदर आते हैं तो मुजाहिदीन किसी भी वक्त उन पर हमला आवर हो सकते हैं। यही वजह है कि अमित शाह एक लंबे अरसे तक मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में नहीं आए। 2 बरस के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा कश्मीर का है। नाज़रीन अकराम, मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत के हवाले से दफा 370 को ख़त्म करते हुए दावा किया था कि इससे कश्मीर में अस्क्रियत पसंदी ख़त्म हो जाएगी। कश्मीरी अवाम बिलखसूस नौजवानों की तालीम व तरक्की और रोज़गार के लिए मौके बढ़ जाएंगे और भारत के साथ उनका ताल्लुक मजबूत होगा। तजियाकारों का ताहम कहना है कि हकूमत के इस फैसले से कश्मीरी भारत से मजीद दूर हो गए हैं। मोदी हुकूमत हालिया महीनों में ये बावर कराने की कोशिश करती रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में हालात मामूल पर आ चुके हैं, इक्तसादी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और लोग बड़ी तादाद में सियाहत के लिए वहां पहुंच रहे हैं। ताहम गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात ने हकूमत के दावों पर सवालात खड़े कर दिए हैं और उनके झूठ की कलई खोल दी है। गुज़श्ता 2 हफ्तों ने भारतीय फौज की नींदें हराम कर दी हैं। गुज़श्ता 10 दिन से पूंछ के जंगलात से कोई भी अच्छी खबर भारतीय फौज के लिए नहीं आई। अब इस राज से पर्दा उठ गया है कि गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान भारतीय फौज आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही और कोई भी कामयाबी उनके हाथ क्यों नहीं आ रही। इस हवाले से पता चला है कि पूंछ सेक्टर में पहाड़ों की चोटियों पर अहम और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर मुजाहिदीन का कब्जा है और वहां से ऐसे कारीगर वार किए जा रहे हैं कि भारतीय फौज जो भी थोड़ा सा सामने आता है उसे निशाना बनाकर जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। फिर मुजाहिदीन की जानिब से पहली मर्तबा एक वीडियो पैगाम भी जारी किया गया है और उस वीडियो पैगाम में देखा जा सकता है कि मुजाहिदीन के पास इंतहाई जदीद तरीन असला है और उन्होंने भारतीय फौज को वाज़े अंदाज में कहा कि अब पूंछ सेक्टर के बारे में सोचना छोड़ दो, ये तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। अब हमारी पेशकदमी शहरी इलाकों की जानिब होगी और हर उस इलाके से भारतीय फौज को निशाने इबरत बनाकर निकाला जाएगा जहां जहां पर वो कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म और सितम कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, इसी तरह मुख्तलिफ हलकों की जानिब से नुकता चीनी के बाद मोदी ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में दोबारा आबाद कराने का ऐलान किया है। तजियाकारों का कहना है कि चूंकि ये हकूमत काम की बजाय प्रोपोगंडे पर ज्यादा यकीन रखती है, इसलिए कश्मीरी पंडितों के लिए ऐलानात तो बहुत हुए लेकिन अमली सतह पर काम नहीं हुआ। टारगेट किलिंग के हालिया वाक़यात के बाद कश्मीरी पंडितों में खौफ व हिरास में इजाफा हुआ है, लेकिन यह सिर्फ उन तक ही महदूद नहीं है, हर कोई इस खौफ में मुबतला है। अलबत्ता अहम बात यह है कि उन्हें तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए मसाजिद से ऐलानात भी हो रहे हैं। कश्मीरी पंडित के सदर संजय टीकू ने बात करते हुए कहा कि इस वक्त कश्मीर में तमाम बिरादरियों में खौफ का माहौल है। मुसलमान भी अपने बच्चों को शाम 6 बजे के बाद घर से निकलने नहीं देते, दुकानें भी अब 6 बजे ही बंद होने लगी हैं। उनका मजीद कहना था कि हम सब कश्मीरियों को मिलकर ये सोचने की ज़रूरत है कि आज जब कश्मीरी पंडितों के लिए हर जानिब से फ़ोन आ रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, जब कोई मुसलमान भी हलाक हो तब भी इसी तरह की फिक्र होनी चाहिए। हालिया वाक़यात के बाद मुसलमानों ने हमारे तहफ्फुज़ के लिए आवाज़ें उठाई हैं। कश्मीरी पंडित सदियों से मुसलमानों के साथ रहते आए हैं और हमें इन्हीं के साथ ही चलना चाहिए।